الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والأئمة الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون अज़ीज़ान गिरामी परवरदिगार मुताल इरशाद फरमाता है कि हमने जिन्नों और इंसानों को खल्क नहीं किया मगर सिर्फ एक मकसद के लिए, और वो मकसद, वो हदफ इबादत खुदाबंदी है। तफासीर में मुफसरीन इस बात को बयान करते हैं कि इस आयत में याबुदून से मुराद यारिफून है, यानी हमने जिन्नों को और इंसानों को सिर्फ इस वजह से खल्क किया है ताकि वो हमें पहचाने, क्योंकि मारिफत और इबादत में बहुत गहरा ताल्लुक और राबता है। अगर इबादत मारिफत के बगैर अंजाम पाए तो वह इबादत इबादत नहीं होती। वो सजदा पेशानी को सर जमीन पर रखना तो होता है लेकिन सजदा नहीं होता। वो कयाम खड़े रहना तो होता है लेकिन कयाम नहीं होता। वो नमाज एक वर्जिश तो हो सकती है लेकिन जो मारिफत खुदा के बगैर अंजाम पाए वो इबादत नहीं हो सकती। जिस तरह से परवरदिगार की मारिफत जरूरी है, परवरदिगार को जानना जरूरी है, इसी तरह से उन अंबिया, औसिया और औलिया को पहचानना और जानना भी जरूरी है कि जिन्हें परवरदिगार ने इस दुनिया में इंसान की हिदायत के लिए भेजा है। अजीजान गिरामी, सूरह मुबारक जुमा में खुदावंद मुताल इरशाद फरमाता है कि हमने ये इंसानों पर फजल किया है कि हमने उनके लिए अंबिया, औलिया और औसिया को भेजा है, हमने उनके लिए किताबों को भेजा है। यह हमारा फर्ज और जिम्मेदारी नहीं थी, यह हमारा फजल है, यह हमारी इनायत है, क्योंकि हमने इस्लाम का और दीन का बुनियादी पैगाम इंसान की फितरत में पिनहान कर दिया था। अब चूंकि उसने अपनी फितरत को आलूदा कर दिया है और अब वो अपनी फितरत के रास्ते से दूर चला गया है, इसलिए उसे अब जरूरत है किसी ऐसे रहबर की, किसी ऐसे रहनुमा की कि जो दोबारा उसका हाथ थामे और उसे सिरात मुस्तकीम पर लेकर आए। ऐसे रहबर और रहनुमा की मारिफत जरूरी है, क्योंकि इस रास्ते पर सिर्फ रहबर ही नहीं बल्कि राहजन भी मौजूद है। इस रास्ते पर सिर्फ रास्ता दिखाने वाले नहीं बल्कि रास्ते से भटकाने वाले भी मौजूद हैं। इस रास्ते पर अल्लाह की तरफ ले जाने वाले भी मौजूद हैं और इस रास्ते पर शैतान की तरफ ले जाने वाले भी मौजूद हैं। इस रास्ते पर इंसान को हक से करीब करने वाले भी मौजूद हैं और इस रास्ते पर इंसान को बातिन से करीब करने वाले भी मौजूद हैं। बस अगर इंसान अल्लाह की मारिफत को हासिल करना चाहता है तो अल्लाह की मारिफत उनके जरिए से हासिल करें कि जिन्हें परवरदिगार ने इस दुनिया में भेजा ताकि वो परवरदिगार को पहचानवा सके, जिन्हें खुदा ने भेजा कि तुम दुनिया में जाओ और मुझको पहचानवाओ, उनके वसीले से और उनके रास्ते से और उनके जरिए से अगर इंसान मारिफत परवरदिगार को हासिल करने की कोशिश करेगा तभी वो हकीकी और सही मारिफत को हासिल कर पाएगा। अज़ीज़ाने गिरामी, किसी भी चीज की, किसी भी शय की, किसी भी शख्सियत की, किसी भी जात की मारिफत हासिल करने के कई रास्ते और तरीके होते हैं। उसको पहचानने के, उसके बारे में मालूमात हासिल करने के कई रास्ते और तरीके होते हैं। एक तरीका यह है कि उसके दोस्तों से पूछा जाए कि वो कैसा है, उसके दोस्तों से मालूम किया जाए कि वो कैसा है, उसके आदात क्या है, उसकी खूबियां क्या है, उसकी बुराइयां क्या है। एक और रास्ता किसी शख्सियत की, किसी जात की मारिफत हासिल करने का यह होता है कि उसके दुश्मन से पूछा जाए, उसके दुश्मन से पूछा जाए कि बताओ तुम तो इससे दुश्मनी रखते हो, अब बताओ कि यह कैसा है, इसका किरदार कैसा है, इसके आमाल कैसे हैं, इसके अफकार कैसे हैं, इसकी बुराइयां क्या हैं, इसकी खूबियां क्या हैं। और तीसरा रास्ता यह होता है कि उस शख्सियत से खुद सवाल किया जाए और उससे पूछा जाए कि बताओ तुम कौन। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल करने के लिए
अमीर उल मोमिनीन की शख्सियत को पहचानने के लिए भी अगर इंसान इन तीनों रास्तों का इंतखाब करे तो समझ में आता है कि कितनी बाकमाल शख्सियत और जात है। अगर इनके दोस्तों से पूछा जाए तो परवरदिगार मुताल से लेकर और मीसम तम्मार तक इनसे मोहब्बत करने वाले और इनको चाहने वाले इनके फजाइल को बयान करते हुए नजर आते हैं। वहां एक इनसे मोहब्बत करने वाला खुदा कुरान मजीद में जा बजा अमीरुल मोमिनीन के फजाइल और कमालात को बयान करता हुआ नजर आता है और किस अदा से बयान करता हुआ नजर आता है कि जिस तरह से अमीरुल मोमिनीन उस अमल को अंजाम दे रहे हैं बेअइने ही उस अमल को परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है और कुरान मजीद में बयान कर रहा है कि किस तरह से अंगूठी को खुदा की राह में दे रहे हैं, किस तरह हिजरत की शब बिस्तरे रसूल अल्लाह पर लेट कर परवरदिगार की रजा और मर्जी को खरीद रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, और अगर इनके दुश्मनों से पूछा जाए तो हमारे पास बेशुमार रिवायतें मौजूद हैं कि जहां पर इनके दुश्मनों ने इनकी फजीलत का और इनके कमाल का इकरार किया है। साद इब्न अबी वकास अमीर शाम के दरबार में, और अमीर शाम उससे ये सवाल करता है कि क्यों तू अली इब्न अबी तालिब पर सब्बो शितम नहीं करता, क्यों तू अली इब्न अबी तालिब पर सब्बो शितम नहीं करता, उन्हें बुरा भला नहीं कहता, जबकि यह हुक्म सादिर हो चुका है कि हर नमाज जुमा के खुतबे में अली और औलाद अली पर सब्बो शितम किया जाए, उनको बुरा भला कहा जाए, लेकिन तू क्यों अली और औलाद अली पर सब्बो शितम नहीं करता। अज़ीज़ाने गिरामी, फजाइल का बयान हो तो ऐसा हो, अगर इंसान बाकमाल हो तो ऐसा हो कि दरबार अमीर शाम का दरबार हो, बयान करने वाला साद इब्न अबी वकास हो और फजीलत बयान हो रही हो अली की। कहता है कि तीन खसूसियतें अली इब्न अबी तालिब के पास ऐसी हैं कि अगर वो मुझे मिल जाएं तो दुनिया और दुनिया की तमाम तर नेमतों से ज्यादा मैं उसे चाहूंगा। कहा कि जब आया मुबाहिला नाजिल हुई, जब आया मुबाहिला नाजिल हुई और कुरान मजीद ने हुक्म दिया, खुदा ने हुक्म दिया कि रसूल अपने नफ्स को लेकर जाओ, तो रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन का इंतखाब किया। कि ये एक ऐसी फजीलत है अली की कि अगर ये मुझे हासिल हो जाए तो दुनिया और दुनिया की तमाम तर नेमतों को मैं देने के लिए तैयार हूं। कि ये एक फजीलत मुझे हासिल हो जाए कि जब अल्लाह ने अपने नफ्स को ले जाने का हुक्म दिया तो अमीरुल मोमिनीन को ले जाया जा रहा है। साद इब्न अबी वकास कहता है कि वो दूसरा मुकाम कि अगर वो फजीलत मुझे हासिल हो जाती तो दुनिया और दुनिया की तमाम तर नेमतें मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस फजीलत को हासिल करने के लिए। और वो फजीलत क्या है कि जब बाज गजवात में, बाज जंगों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीरुल मोमिनीन को मदीना में छोड़ कर जाते थे तो अमीरुल मोमिनीन परेशान और नाराहत होते थे और रसूलुल्लाह से कहते थे कि आप मुझे औरतों और बच्चों के साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो इस मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जिस तरह से मूसा अपने पीछे हारून को छोड़कर गए थे, इस तरह से मैं तुम्हें मदीना में छोड़कर जा रहा हूं। साद इब्न अबी वकास कहता है कि अगर ये रसूलुल्लाह के लिए हारून होने की निस्बत मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया और दुनिया की तमाम तर नेमतों को देने के लिए तैयार हूं। और तीसरा मुकाम खैबर का मुकाम है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कल अलम उसको दूंगा कि जो मर्द होगा, कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करता होगा, अल्लाह और रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, तो कहा कि हम सबके दिल में ख्वाहिश थी कि काश ये अलम हमें मिल जाए, क्योंकि जिसे ये अलम मिलेगा ये तमाम फजीलतें उसके लिए साबित हो जाएंगी। लेकिन रसूल अल्लाह ने इंतजार किया, जब अमीरुल मोमिनीन मदीना से खैबर तक पहुंचे तो उनको अलम अता किया कि अगर ये खैबर में अलम हासिल करने की फजीलत मुझे मिल जाए तो मैं दुनिया और दुनिया की तमाम तर नेमतों को देने के लिए तैयार हूं। साद इब्न अबी वकास अमीर शाम के दरबार में अमीरुल मोमिनीन के फजाइल को बयान कर रहा है और कहता है कि अगर इन तीन फजीलतों में से, इन तीन फजीलतों में से कोई एक फजीलत भी मुझे मिल जाए, कोई एक बात भी मेरे लिए साबित हो जाए तो मैं दुनिया और दुनिया की तमाम तर नेमतों को देने के लिए तैयार हूं। और जिसके लिए ये तीनों फजीलतें साबित हो तो मुझसे चाहता है कि मैं उस पर सब गुशितम करूं, उसको बुरा भला कहूं। अज़ीज़ाने गिरामी, जिसके दोस्त उसके फजाइल और कमालात को बयान करें तो इस तरह से करें।
जिसके दुश्मन उसके फजाइल और कमालात को बयान करें तो इस तरह से करें। और जब खुद अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया जाए कि आप अपने बारे में बताइए, आप बताइए कि आप कौन हैं, तो एक जुमले में अपना तारुफ इस तरह से करवाते हुए नजर आते हैं कि मैं रसूल अल्लाह के गुलामों में से एक गुलाम हूं, मैं रसूल अल्लाह के बंदों में से एक बंदा हूं, मैं रसूल अल्लाह की खिदमत करने वालों में से एक खिदमत करने वाला हूं। अज़ीज़ाने गिरामी, दुनिया जिसके वसीले और सदके से चल रही हो उससे जुल्म और सितम के साथ पेश आया जाए, उससे दुश्मनी बरती जाए। अज़ीज़ाने गिरामी, मलून तरीन शख्स ने, शकी तरीन शख्स ने कूफा की मस्जिद में अली इब्न अबी तालिब के सर अक़दस पर वार किया, और ये वार ऐसा वार था कि सर अमीरुल मोमिनीन का शिगाफ्ता हो गया। अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम हसन को हुक्म दिया कि आगे बढ़कर नमाज को कामिल कराओ। जब नमाज तमाम हुई और अमीरुल मोमिनीन को लेकर घर की जानिब बढ़ा गया, घर की जानिब चले, तो रास्ते में अमीरुल मोमिनीन ने यह देखा कि मेरे बच्चे रो रहे हैं, गिरिया कर रहे हैं, असहाब आंसू बहा रहे हैं, अंसार बुका कर रहे हैं, बार बार घर से पहले रुकते थे अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जे होकर, हसन और हुसैन की तरफ मुतवज्जे होकर, अपने असहाब और अंसार की तरफ मुतवज्जे होकर ये फरमाते थे कि आंसू ना बहाओ, रो ना, बुका ना करो, अभी तुम्हारा मौला तुम्हारे दरमियान मौजूद है। पूरे रास्ते मस्जिद से लेकर घर तक दिलासा देते रहे, ढारस बंधाते रहे, लेकिन अजीजों जब मेरा मौला घर में आया और जैसे ही दरवाजा खाना से घर में दाखिल हुआ, वो बेटियां जो कब से बाबा की मुंतजिर थी, जिन्होंने ये सुन रखा था कि बाबा का सर शगाफ्ता हो गया है लेकिन यकीन न करती थी, अब जब बाबा के सर को अपनी आंखों से शगाफ्ता देखा, आंखों में आंसू आ गए। बेटियों ने बैन करना शुरू किए, आंसू बहाना शुरू किए। वो मौला, वो अमीरुल मोमिनीन, वो कुल का मौला, वो मौलाए कायनात के जो पूरे रास्ते अपने बच्चों को, अपने असहाब को, अपने अंसार को न रोने की तलकीन कर रहा था, उनकी ढारस बंधा रहा था, जैसे ही अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को रोते हुए देखा, सब्र का दामन हाथ से छूट गया और कुल का मौला आंसू बहा कर रोने लगा, ऐ ज़ैनब, ऐ उम्मे कुलसूम, आप आंसू न बहाइए, आपके आंसू आपके बाबा से देखे नहीं जाते। अजीजों, अमीरुल मोमिनीन आज कूफा में घर में बेटियों के आंसू न देख सके, उस अली पर सलाम हो के जो करबला में, शाम गरीबा में, पूरी रात खुले मैदान में सैयद जादियों के आंसुओं को देखता रहा, सलाम हो उस ज़ैनुल आबिदीन पर कि जो कूफा और शाम के दरबारों और बाजारों में ज़ैनब व उम्मे कुलसूम के साथ सफर करता रहा। अला लअनतुल्लाह अलल क़ौमिल ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युन क़ल्बिय्युन क़ल्बुहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।